अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. कई लोग हमारे साथ कल भी थे और आज जो हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है. यूनिसेफ इज़ रियली प्रिविलेज्ड एंड हम आप सबका आभार मानते हैं कि इस पार्टनरशिप में हम साथ मिलकर इस जगह पे आपने अपना टाइम दिया है यहाँ आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए टीकाकरण के बारे में. जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारा काम हुआ है. एंड ये जो फिल्म है, दिस इज़ बीइंग शोन ऑल अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली, जिसमें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है. यूनिसेफ आइडेंटिफाइड सर्टन फील्ड लेवल वर्कर्स, उसमें हेल्थ वर्कर्स भी थे, उसमें आपके और हमारे जैसे लोग भी थे, उसमें कुछ कम्युनिटी डॉक्टर्स थे, कम्युनिटी हीलर्स थे, जिन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में. और ये पिछले एक साल से इसकी तैयारियां भी चल रही थी, बिकॉज लोगों को आइडेंटिफाई करना इतना आसान काम नहीं होता है, आप समझते हैं, बिकॉज जिसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं. सो दिस वॉज़ अ ह्यूज एक्सरसाइज जो पिछले एक साल में यूनिसेफ ने कई अपनी डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज़ के साथ मिलकर किया था. तो बनकर बहुत ही खूबसूरत सी एक फिल्म आई है जिसका नाम है एक स्टार ऐसा भी. ये जो फिल्म थी जी टीवी पर भी दिखाई गई थी एंड वी हैड टाइड अप विद डिफरेंट चैनल्स ऑल्सो. पर्पस यही था कि जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिले और ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ें. अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स कि हम रूटीन इम्यूनाइजेशन को अच्छी तरह समझ लें, और इसके लिए द बेस्ट पर्सन इज सिटिंग राइट हियर, डॉक्टर गजेंद्र, अगर आप आके थोड़ा सा हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में बता सकें, सो दैट विल बी वेरी गुड. थैंक यू सो मच. रेडियो इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. वॉट इज द नीड ऑफ द कम्युनिटी रादर देन the focus on that what we want to deliver to the community. So the radio is very important in which we need to focus, because electronic media, print media, everybody is focusing on them, and radio is becoming important. This we can understand from the fact that even the Prime Minister has referred to that medium. The routine immunization, Indian routine, the India program is a very very vast. It is one of the largest program. In India, the last survey which we are having for the coverage thing, for the Pan India survey, that shows that in India 61% is the this CES 2009, 61% is the coverage. The RSOC 2013, you can say 65%, but that is not is available in the public domain, so we normally do not quote it. So the last available public domain data for the whole India coverage for the immunization is the CES 2009, and that shows that in India 61% of the children are fully immunized. Fully means those who have covered all the vaccination by the 1 year of age. So it means in another way that 61%, which is normally near to the 66%. So we can say that 2 out of 3 are children are immunized, and 1 children out of every three children is not fully vaccinated. Ujjwal Moitra, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, काफ़ी समय से हमारी जान पहचान है, All India Radio, Big FM, Radio City, सभी में programming जो आज आप सुन रहे हैं उसके पीछे जो बैकबोन है वो उज्ज्वल जी की है. स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन इनकी स्पेशलिटी है. आजकल BBC में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. मैं चाहूँगी कि उज्ज्वल मोइत्रा थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हम इसे और आगे कैसे ले जा सकते हैं. हमारा जो काम होता है वो 3 मेजर स्ट्रीम्स ऑफ वर्क हमारे हैं जिसमें हम काम करते हैं. हम हेल्थ पे काम करते हैं. हेल्थ पे हमारा जो कैंपेन्स रहे हैं, हमने नैको के साथ एड्स कंट्रोल पे और ब्लड डोनेशन थैलेसीमिया पे काम किया है. आपने शायद कोई एक ऐड देखा हो जिसमें एक छोटी सी बच्ची सबके पास जाती है और सबको थैंक यू बोलती है, और वो पूछते हैं आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो ब्लड डोनेट नहीं किया. सो दैट्स पार्ट ऑफ आर कैंपेन. हम मेटरनल चाइल्ड हेल्थ पे बहुत काम कर रहे हैं, और जैसे कि गजेंद्र जी ने कहा कि बीमारू स्टेट्स, तो हम उन्हीं बीमारू स्टेट्स में से एक स्टेट है बिहार, जहाँ पे मैटरनल चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट्स बहुत हाई हैं. मध्य प्रदेश, यहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं. मैं आपको सच बताऊँ, इतना सीखने के लिए होता है हरदम नई नई चीज़ें. मैं बहुत ही फैसिनेशन से सुन रहा था कि देखिए किस कदर चीज़ें बदल रही हैं रेडियो की दुनिया में, और किस तरह से वो इतनी आसान भी हो रही हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी जो भाषा भी अच्छी तरह से हमारी वाली नहीं बोलता, अपनी बोलता है, लेकिन हमें उसकी भाषा उसके पास लेके जानी है, वगैरह वगैरह. खैर, मुझे आवाज़ें बहुत खूबसूरत लगीं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और इतना उनमें अफेक्शन है, इतनी वॉर्म्थ है जो आपने आवाज़ें यूज़ की हैं मेन कैरेक्टर्स के लिए, फैसिनेटिंग.
नंबर दो, आपने देखा कि जो भाषा है कितनी प्यारी सी सुनने में लगती है, और मन करता है कि थोड़ा सा और सुनने के और कैसे बात कर रहे हैं। सर, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आपने जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का जिस तरह से संभाल के, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा और बता दें, कम से कम मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है कि कैसे, अगर फर्ज कीजिए हम में से किसी को उस प्लेटफॉर्म पे जाना हो तो वो क्या क्या चीज़ों का इंतजाम हमें करना पड़ेगा, क्या किसी कंपनी के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई वेब या मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अंदाजन कितना खर्चा इसमें आ जाता है। तो ये हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का दायित्व तो है, और सभी लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं कि हम इस राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अपना परिचय दें, जिससे कि सारे लोगों से बात एक बार इंटरेक्शन हो, और फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आकाशवाणी और दूरदर्शन, जिसकी रीच गांव के गरीब और खेत पे बैठे हुए उस आदमी के साथ जुड़ा रहता है जो कभी काम करता है, कभी काम करते समय आनंद के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त करता है, और उसी के साथ ये एक ऐसा माध्यम है जिसको बिजली की आवश्यकता नहीं, ट्रांजिस्टर। गांव में आज इस देश में सबसे बड़ा अभाव बिजली का है, पावर क्राइसिस है, रोस्टिंग है, पावर रोस्टिंग है, जिसकी वजह से आज संचार माध्यम जिस समय आवश्यकता होती है उस समय उनको उपलब्ध नहीं रहते, लेकिन ये ट्रांजिस्टर कहीं पर भी पोर्टेबल भी है, घर में ही नहीं खेत की मेड़ पे अपने काम करते हुए समय भी ये उसको उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही जो गैप्स आते हैं इस प्रोग्राम में, इसलिए क्योंकि उनकी भाषा में रेडियो में दो सेक्टर है, जिनके बच्चे वापस स्कूल आए, न्यूज़ बुलेटिन में जो रिपोर्ट करते हैं तो How All India Radio, which does its usual programs on farmers, किसान programming जिसको हम कहते हैं, तो उन किसान programming के अंदर क्या solutions हैं, क्या challenges हैं, ये उन्होंने discuss किया, और उसी का अभी एक presentation, जो first group है, that's a presentation that we will see. ये जो news समाचारों के साथ साथ ये जो other programs हैं All India Radio के, जैसे कृषि दर्शन है, कृषि चर्चा है, कृषि समाचार है, तो इनमें अगर जो यूनिसेफ के सेलिब्रिटी हैं वो अगर अपना एक ऑडियो एक टैग देते हैं, कोई मैसेज देते हैं, उसको चला दिया जाए तो उसका एक संदेश अच्छा जाएगा। आलेख एवं स्वर है श्याम जी अग्निहोत्री का। लखीमपुर खीरी जनपद में इस वित्तीय वर्ष में जहां एक ओर विकास कार्यों में काफी प्रगति देखी गई, वहीं दूसरी ओर बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि ने किसानों की मांगों कमर ही तोड़ दी। ये तो न्यूज़ वैल्यू के कार्यक्रम हैं जो समाचार सेवा प्रभाग करता है, पर आकाशवाणी का एक तबका ऐसा भी है जो टारगेट ऑडियंस के लिए कार्यक्रम करता है, खास करके किसानों के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड अ कपल ऑफ पॉइंट्स हियर। वॉट वी हैव बीन थिंकिंग एंड दिस इज विद रिगार्ड टू मिशन इंद्रधनुष, कि मिशन इंद्रधनुष में क्योंकि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो भी वर्कर्स हैं, जो भी इवन फॉर द कम्युनिटी, बिकॉज नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज टू टॉक अबाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारा तभी आ सकता है कि व्हेन वी हैव द वॉइसेस फ्रॉम द फील्ड। तो अगर आपके एरिया में जहां पर भी आप काम करते हैं, अगर वहां कुछ पॉजिटिव डिविएंट्स हैं, कुछ रोल मॉडल्स हैं, अगर उन रोल मॉडल्स को आप कैप्चर करते हैं, वो अगर ये कि वो हार्डशिप्स फेस करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका जो मैंडेट है इन प्रोग्राम्स का, वो उन मैंडेट यही है आपका कि दैट यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर्स ये है कि फार्मर्स डेफिनेटली वो भी उसी कम्युनिटी का ही हिस्सा हैं, इवन इफ दे आर कमिंग इन टू वन एंड दे फॉलिंग इन टू वन पर्टिकुलर कैटेगरी, लेकिन उसके बाद भी दे आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मैसेज बहुत सिंपल हूँ,
एक पीस ऑफ आर्ट में एक ही मैसेज हो और वो जो कि उनको सिंपल डुएबल एक्शन की ओर डायरेक्ट करे। इन गाँव में ज़रूरत हमें लगी कि डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू एक सिंगल कैरेक्टर क्रिएट किया जाए जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, जिसको देखते ही लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ पंकी वे में कुछ बोलने वाला है, जिसमें कुछ ऐसा है जो हमारे फायदे का है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शेयरिंग दीज आइडियाज विद अस, दे आर वेरी मच doable, relatable, and one thing which I always felt and which I always realize is that if the tools that you're using are relatable, if they are easy to execute, I think that's what makes the impact at the community level. ये नहीं है कि यहाँ से हम चाहे जितने high fundays उनको समझा देंगे, what translates at the grassroots level या district level पर जो चीज़ होती है ना, वो आपकी simple जो pedagogic tools होते हैं वही tools वहाँ पर translate होते हैं।